दिवे उजड़ता दिवे हो उया जड़ता जड़ता जग उजड़ूया। अस्सलाम वालेकुम विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचं माझ्या माझी मराठी फॉर उर्दू मीडियम स्कूल या यूट्यूब चॅनलवर पुन्हा मनपूर्वक स्वागत आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण या व्हिडिओमध्ये विषय मराठी इयत्ता 9व्या वर्गाची कविता 8वी दिवे होऊया या कवितेचे कवी जयंत कुमार त्रिभुवन आहेत। या कवितेचे आपण इन्शाअल्लाह ताला या व्हिडिओमध्ये भावार्थ म्हणजे संपूर्ण कवितेचे स्पष्टीकरण आणि कृती सुद्धा बघणार आहोत। विद्यार्थ्यांनो, अगर बच्चों आप लोगों ने अभी तक किताबें नहीं निकाली है तो आप अपनी अपनी मराठी की किताबें और एक एक पेंसिल निकाल लेंगे ताकि जब आपको कविता का भावार्थ स्पष्टीकरण समझाया जाए या कृति समझाई जाए तो आप उसको अपनी कॉपी में या किताब में नोट कर लेंगे। तो चलो शुरुआत करते हम कविता 8वीं दिवे होऊया पान क्रमांक 24 पेज नंबर 24 पे हम देखेंगे ये कविता। तो शुरुआत करते कविता की और कवि है जयंत कुमार त्रिभुवन। जन्म 1942 आणि मृत्यू 2006। चलो बच्चों अब हम देखते हैं कि इस कविता में कवि ने हमें क्या संदेश दिया है। व्हाट इज द मॉरल ऑफ द पोयम, लेट अस सी। तो देखते हैं, दुखी पीड़ित दुरितांच्या जीवनामध्ये आनंद येण्यासाठी आपण दिवे होऊया व त्यांना तेज पथाचे यात्री करूया असा संदेश प्रस्तुत कवितेत कवीने केला आहे। तो इस कविता में कवि जयंत कुमार त्रिभुवन इन्होंने हमें इस दुनिया में जो भी दुखी पीड़ित और परेशान हाल लोग हैं उन्हें सही रास्ता दिखाने के लिए हमें दिवे हो, यानी दिए मतलब दिए बनने का कवि ने संदेश दिया है। मतलब हमें उन दुखी कष्टी पीड़ित दुरित लोगों के लिए एक नया राह दिखाने वाला बनने को कहा है, ऐसा ऐसा कवि ने हमें इस कविता में संदेश दिया है। तो बच्चों मैं जब ये कविता का स्पष्टीकरण बताऊं तो दो दो लाइनों का मैं स्पष्टीकरण बताऊंगा, क्योंकि परीक्षा में आपको कविता जब पूछी जाती है तो उसमें आपको कविता का दो दो लाइन का, कोई भी कविता के कोई भी दो लाइन आपको पूछी जा सकती है, उसका आपको सरल अर्थ लिखना पड़ता है मराठी में। तो उस तरह से कैसा हम दो मार्क्स के लिए वो सरल अर्थ लिखेंगे मराठी में, उस प्रकार से मैं आपको ये कविता का स्पष्टीकरण समझाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम कविता की। तो मैं एक बार कविता का वाचन कर रहा हूँ, गायन कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान देंगे। दिवे उजड़ता दिवे हो उया जड़ता जड़ता जग उजड़ूया, डोळे पुसुनी दुखी जनांचे त्या अश्रूंच्या ज्योति करूया, रात्र जरी अंधारी असली अंधारा आव्हान देऊया, थरथरणाऱ्या अनेक ज्योति एक हो उनी मशाल बनूया, विश्वातील अवघ्या दुरितांना तेज पथाचे यात्री करूया, निरंजनाशी सांगत नाती अंतर मंदिरी तेज भरूया, तिमीर बंधने तोडून सारी चराचराला प्रकाश देऊया, दिवे उजळता दिवे हो उया जळता जळता जग उजड़ूया। देखिए कितनी सुंदर रचना इस कविता की कवि ने की है। चलिए बच्चों अब हम देखते हैं इस कविता का स्पष्टीकरण। तो चलिए बच्चों अब हम शुरुआत करते हैं। तो दो दो पंक्तियों का मैं आपको अर्थ, सरल अर्थ समझाने वाला हूँ और उसी तरह से हमें परीक्षा में भी उन दो पंक्तियों का उत्तर लिखना है या अर्थ लिखना है। जैसो दिवे उजड़ता दिवे हो उया जड़ता जड़ता जग उजड़ूया। तो पहले शब्दार्थ देख लेते हैं हम। शब्दार्थ देखने से पहले
दिवे हो उया। हम अब इस कविता का शीर्षक का अर्थ समझ लेते हैं। दिवे, दिवे मतलब लैंप या दिया या चिराग, हो या मतलब बन जाए। तो चलो हम चिराग बन जाए, चलो हम दिए बन जाए, यानी मतलब इस कविता का हम भाव, इस कविता के शीर्षक का अगर हम भावार्थ समझे बच्चों, तो ये हो जाएगा कि चले हम जो रास्ता भटक गए हैं, जो ऐसे लोग हैं जो रास्ता भटक चुके हैं, उन्हें सही रास्ता दिखाने वाले दिए बन जाए। इसका ऐसा इस कविता के शीर्षक का अर्थ होता है। चलो हम देखते हैं शब्दार्थ। उजड़ता, उजड़ता मतलब रोशनी देने वाला, और जग, जग मतलब दुनिया। तो एक बार और मैं पंक्ति पढ़ ले रहा हूं। दिवे उजड़ता दिवे हो उया, जड़ता जड़ता जग उजड़ उया। तर स्टार्टिंग कशी करेगी, कैसा स्टार्टिंग करना है? तो हमें पहले कविता का नाम लिखना है और कवि का नाम, तो इसका अर्थ ऐसा आएगा। फिर प्रस्तुत उड़ी दिवे हो उया या कवितेच्या आहेत, या कवितेचे कवि जयंत कुमार त्रिभुवन आहेत। कवि म्हणतात की या जगात अनेक दुखी पीड़ित आणि दुरित व्यक्ति आहेत। ज्याप्रमाणे दिवा स्वतः जळून जग उजळतो, त्याचप्रमाणे आपण सुद्धा दिवे होऊन या दुखी पीड़ित आणि दुरितांचे जीवन उजळूया। हिंदी में या उर्दू में देख लेते हैं। तो कवि कहते हैं कि इस दुनिया में कई दुखी पीड़ित अनाथ परेशान हाल लोग हैं, जिस तरह से एक दिया खुद जलकर, खुद अपनी जिंदगी समाप्त करके वो दुनिया को उजाड़ता है, दुनिया को रोशन करता है, ठीक उसी प्रकार हम भी वो दिया बन जाए जो इन दुखी कष्टी और पीड़ित लोगों को जिंदगी, उनकी जिंदगी उजाड़ने वाला दिया बन जाए। चला आता नेक्स्ट। डोळे पुसुनी दुखी जनांचे, त्या अश्रूंच्या ज्योती करूया। एकदा पुन्हा बघा। डोळे पुसुनी दुखी जनांचे, त्या अश्रूंच्या ज्योती करूया। तो हम पहले डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। डोळे, डोळे मतलब बच्चों आंखें। जन, जन मतलब लोग। और अश्रु, अश्रु मतलब बच्चों आंसू। तो इन दो पंक्तियों के बीच सरल अर्थ में हमें उस कविता का नाम और कवि का नाम लिखना है। जैसे प्रस्तुत उड़ी दिवे हो उया या कवितेच्या आहेत, या कवितेचे कवि जयंत कुमार त्रिभुवन आहेत। आता पुढे बघा। कवि म्हणतात की या जगात अनेक दुखी पीडित आणि दुरित लोक आहेत। चला आपण या दुखी लोकांच्या डोळ्यातील अश्रू पुसून त्यांच्या जीवनात आशयाची ज्योती निर्माण करूया। तो कवि कहते हैं कि इस दुनिया में कई दुखी पीड़ित और दुरित लोग हैं, चलो हम इन दुखी पीड़ित लोगों के आंखों के आंसू पहुंचने वाले बने और उनके जिंदगी में आशय की एक किरण की ज्योति बन जाए। चलिए नेक्स्ट। रात्र जरी अंधारी असली अंधारा आह्वान देऊया, रात्र जरी अंधारी असली अंधारा आह्वान देऊया। चलिए इस इन दो पंक्तियों के में जो डिफिकल्ट वर्ड है उनके देख लेते हैं। अंधारी मतलब अंधेरे से भरी हुई, तिमिर से भरी हुई। अंधारा मतलब अंधार या तिमिर। आह्वान मतलब चुनौती। तो इसका हम कैसा लिखेंगे? जैसा हम बाकी का लिखते आए हैं। प्रस्तुत उड़ी दिवे होविया या कवितेच्या आहेत, या कवितेचे कवि जयंत कुमार त्रिभुवन आहेत। कवि म्हणतात की दुखी पीड़ित लोकांच्या जीवनात जो अंधार म्हणजे दुख आणि कष्ट आहेत, त्यांना आपण मिळून आव्हान देऊया आणि त्यांचे जीवन सुखी व समृद्ध बनवूया। तो कवि कहते हैं कि इस दुनिया में जो दुखी पीड़ित
और दूरित लोग हैं, उनकी जिंदगी में जो अंधारा, जो अंधेरा फैला हुआ है, उस अंधेरे को यानि उनके दुख कष्ट को हम समाप्त करने वाले बने और उस अंधेरे को यानी दुखमय अंधेरे को हम आह्वान दें, उसे चुनौती दें और उनकी जिंदगी हम सुखी और समृद्ध बनाएं। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट। थर थर नार्या अनेक ज्योति एक हो उनी मशाल बनूया, थर थर नार्या अनेक ज्योति एक हो उनी मशाल बनूया। फिर से वही आएगा, प्रस्तुत ओडी दिवे होविया या कवितेच्या आहेत, या कवितेचे कवि जयंत कुमार त्रिभुवन आहेत। कवि म्हणतात की या जगातील अनेक दुखी व कष्टी लोकांचे जीवन हे थरथरणाऱ्या ज्योतीप्रमाणे संपत आहे। आपण या थरथरणाऱ्या ज्योतींना एकत्रित करून एक मोठी मशाल निर्माण करूया किंवा बनवूया व त्यांचे दुःख व कष्टांचे अंधार दूर करूया। तो कवी कहते हैं कि इस दुनिया में ऐसे बहुत से दुखी कष्टी लोग हैं और उनकी जिंदगी वो थरथर नार्या मतलब थरथर कांपने वाली ज्योति की तरह समाप्त हो रही है। तो चलिए हम सब मिलकर उन सब थरथर नारे, उन सब कांपने वाली ज्योतियों को एक साथ जमा करके एक बड़ी मशाल बनाएं और उस मशाल से हम इन दुखी कष्टी लोगों का दुख कष्ट और परेशानी उनकी समाप्त करें। चलिए नेक्स्ट। विश्वातील अवघ्या दुरितांना तेज पथाचे यात्री करूया, विश्वातील अवघ्या दुरितांना तेज पथाचे यात्री करूया। चलिए इसमें शब्दार्थ है विश्व, विश्व मतलब बच्चों दुनिया या जग, अवघ्या मतलब सभी तमाम, दुरितांना मतलब गुनेगार परेशान हाले दुखी कष्टी लोग, तेज मतलब बच्चों रोशनी और यात्री मतलब मुसाफिर। फिर से वही इसका अर्थ आएगा, प्रस्तुत उड़ी दिवे होविया या कवितेचे आहेत, या कवितेचे कवि जयंत कुमार त्रिभुवन आहेत। कवी म्हणतात की या जगातील सर्व दुरित आणि दुःखी लोकांना तेजस्वी पथाचे यात्री करूया, म्हणजे त्यांना सुख व समृद्धीचे मार्ग दाखवूया। तर कवी कहते हैं कि हम इन दुखी कष्टी दुरित लोगों के जिंदगी का दुख समाप्त करें और उन्हें तेजस्वी पथ के यानि सुख और समृद्धि के मार्ग का रास्ता, मार्ग का मुसाफिर यानि यात्री बनाएं, मतलब उन्हें हम सक्सेसफुल यानि यशस्वी जीवन जीने की प्रेरणा दें। चलिए नेक्स्ट। निरांजनाशी सांगत नाती अंतर मंदिरी तेज भरूया। चलिए शब्दार्थ देख लेते हैं, निरांजना निरांजन, निरांजन मतलब जो आरती की, आरती के दिए लगाए जाते हैं यानी सिंपल बोलेंगे हम आरती का थाली। नेक्स्ट अंतर मंदिरी, अंतर मतलब अंतकरण में अपने मन में और मंदिर मतलब अपने दिल में ही, तो अंतर मंदिरी मतलब क्या होता है, अपने मन में, अपने मन के मंदिर में, अपने दिल के मंदिर में। तो इसका भी सरल अर्थ ऐसे ही आएगा, प्रस्तुत उड़ी दिवे होविया या कवितेच्या आहेत, या कवितेचे कवि जयंत कुमार त्रिभुवन आहेत। चलिए अर्थ देख लीजिए, कवि म्हणतात की चला आपण देवाच्या मंदिरातील निरांजनाशी नाते जोडूया आणि त्यांचे तेज आपल्या मनातील मंदिरात निर्माण करूया, म्हणजे दुःखी कष्टी लोकांशी नाती जोडून त्यांच्या मनात आनंदाचे तेज उजळूया। तो कवी कहते हैं कि चलिए इन दुखी कष्टी लोगों की तरह, ये क्या है निरांजन है, तो इनसे हम क्या करेंगे, इनसे हम नाती जोड़ लेंगे, रिलेशन बना लेंगे और इनके अंदर समृद्ध और सुख की रोशनी का इनके दिल में ज्योति जलाएंगे। चलिए लास्ट। तिमिर बंधने तोड़ू निसारी चरा चराला प्रकाश देऊया। चला पुन्हा बघा, तिमिर बंधने तोड़ून सारी
चराचराला प्रकाश देऊया। चलिए शब्दार्थ देख लेते हैं। तिमिर, तिमिर म्हणजे अंधार, अंधेरा। चराचराला मतलब हर किसी को, हर जगह को। प्रकाश मतलब रोशनी या तेज। तो इसका भी सरल अर्थ ऐसी आएगा, भावार्थ ऐसी आएगा। प्रस्तुत ओळी दिवे होऊया या कवितेच्या आहेत। या कवितेचे कवी जयंत कुमार त्रिभुवन आहेत। कवी म्हणतात की तिमिर रूपी दुःख, कष्ट व गरिबी यांचे सर्व बंधने तोडून विश्वातील प्रत्येक दुःखी व पीडित लोकांना म्हणजे चराचराला प्रकाश देऊया, त्यांचे जीवन आनंदी बनवूया। चलिए एक बार समझ लेते हैं। तो कवि कहते हैं कि इस दुनिया में कई दुखी, कष्टी, पीड़ित लोग हैं, तो उनका, उनकी जिंदगी के तिमिर रूपी मतलब अंधकारमय दुख, कष्ट और गरीबी, ये सब बंधने हम क्या कर लेंगे, तोड़ देंगे और उन्हें उन्हें हम प्रकाशित करेंगे, मतलब उनका जीवन, उनकी जिंदगी सुखी और समृद्धि बनाएंगे। इस तरह से कितना प्यारा संदेश कवि श्री जयंत कुमार त्रिभुवन जी ने हमें इस कविता में दिया है। तो बच्चों, इस तरह से आपको कविता का भावार्थ लिखना है और आप हर कविता का नाम और उस कविता के कवि या कवयित्री का नाम याद कर लेंगे, ताकि हमें 2 मार्क्स के लिए सरल अर्थ लिखने में आसानी जाए। चलिए अब हम देखते हैं इस कविता पर आधारित कृति। चलो बच्चों, पान क्रमांक 25, स्वाध्याय म्हणजे कृती। प्रश्न पहला। अ, खालील विधाने चूक की बरोबर ते लिया, के नीचे कुछ विधाने दी गई है, कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों को हमें देखना है कि ये चूक यानी गलत और बरोबर मतलब सही है, तो मतलब सही या गलत हमें देखना है। नंबर 1, प्रकाशाची बंधने दूर करूया, प्रकाशाची बंधने दूर करूया, बरोबर। दूसरा, दिवे होऊन जळूया, दिवे बनके जलेंगे, बरोबर। 3, निरांजनाशी नाते तोडूया, निरांजनाशी नाते तोडूया, तो ये सही है कि चूक है कि बरोबर है? हाँ, ये विधान चूक है। 4, अंधाराला आह्वान देऊया, अंधाराला आह्वान चुनौती देऊया, बरोबर। चला आ, चौकटी पूर्ण करा। चौकट मतलब डब्बे, बॉक्स, वो हमें पूरा करना है। तो आप देख रहे हैं कि कुछ आकृति आ गई है, इसे हमें पूरा करना है। नंबर 1, कवि ना बनायची आहे, कवि को बनना है, क्या बनना है? दिवा। दूसरा, दुखितांच्या अश्रुंच्या बनूया, जो दुखी, कष्टी, पीड़ित लोग हैं उनके आंसू के क्या बनाएंगे हम, क्या बनाएंगे? ज्योति। 3, थरथरणाऱ्या ज्योतींची बनूया, थर जो ज्योति थरथर रहे, थरथर कांप रही है, उससे हम क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे? मशाल। 4, अंतर मंदिरी भरूया, अपने दिल में भरेंगे, क्या भरेंगे? तेज। 5, सर्व बंधने तोड़ून देऊया, सारी बंधने तोड़ देंगे, क्या? तिमिर, अंधेरा। आता प्रश्न क्रमांक 2, अ, कवितेतील ओळी व त्यांचा अर्थ यांच्या योग्य जोड्या लावा। कुछ कविता के ओड़ी दी गई है, लाइंस दी गई है, और उसके अर्थ से सही अर्थ की हमें जोड़ी लगाना है। बच्चों, आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर सही उत्तर की जोड़ियां लगाई गई है। देखिए, तो मैं सिर्फ डायरेक्ट आंसर पढ़ रहा हूं, आप लोग देख लेंगे। अ, गट यानी ब गट, उत्तर है बगा। नंबर 1, डोड़े पुसुनी दुखी जनांची, इसका सरल अर्थ है दुखी लोकांचे दुख दूर करू। 2, अंधारा आव्हान देऊया, म्हणजे अ, अंधाराला दूर करण्याचे आव्हान स्वीकारू। 3, तेज पथाचे यात्री करूया, उत्तर म्हणजे अर्थ ब, प्रकाशमय जीवन रस्त्याचे प्रवासी बनू। 4, अंतर मंदिरी तेज भरूया, अंतर मंदिरी तेज भरूया, क, प्रत्येकाची मने तेजाने भरूया, किंवा भरू। 5, तिमिर बंधने तोडून सारी, उत्तर ड, अंधकाराच्या आड येणारी बंधने
तोडून टाकू। चला प्रश्न आ, प्रश्न तैयार करो। बच्चों इस प्रश्न में हमें क्या करना है, एक शब्द दिया गया है और उस शब्द का हमें ऐसा प्रश्न बनाना है कि वो जो प्रश्न में जो शब्द पूछा गया है वो उस प्रश्न का उत्तर बन जाए मराठी में। जैसे एक मशाल उत्तर येईल असा प्रश्न तैयार करा, मशाल ये शब्द उत्तर बनेगा ऐसा प्रश्न तैयार कीजिए। देखिए उत्तर में आ गया है, मैं प्रश्न तैयार किया हूं। प्रश्न, अनेक ज्योतिन्ना एकत्रित करून कवि काय बनू इच्छितो, काय बनू इच्छितो मशाल। इस तरह से उत्तर तो आ गया मशाल। फिर से देखिए प्रश्न, अनेक ज्योतिन्ना एकत्रित करून कवि काय बनू इच्छितो। दूसरा, चराचराला उत्तर येईल असा प्रश्न तैयार करा, चराचराला ये शब्द उत्तर आएगा ऐसा प्रश्न बनाइए। तो देखिए प्रश्न तैयार किया गया है, तिमिराची बंधने तोडून कवि कोणाला प्रकाश देण्याचे सांगत आहे, कोणाला तर चराचराला। आता प्रश्न तिसरा, खालील शब्दांचे समानार्थी शब्द कवितेतून शोधून लिहा, तर काही शब्द दिलेले आहे त्या शब्दांचे समानार्थी शब्द आपल्याला कवितेतून शोधून लिहायचे आहे, मतलब सिमिलर मीनिंग वर्ड लिखना आहे। नंबर एक, अंधार, अंधार का समानार्थी शब्द कौन सा आया है इस कविता में, तिमिर। दोन, जग, जग मतलब विश्व आया है किंवा विश्व। तीन, दी, दिवा। आणि चार, रजनी, रात्र। तो इस तरह से बच्चों हमारी ये कविता का संपूर्ण भावार्थ यानी स्पष्टीकरण और कृति समाप्त होती है। बच्चों आप लोग इस वीडियो से स्क्रीनशॉट लेकर अपनी अपनी कॉपी में ये कृति लिख लेंगे, और हाँ जो भावार्थ आपको स्पष्टीकरण में समझाया गया है वो भी आपको लिखना है, क्योंकि कविता के ऊपर स्वमत का प्रश्न नहीं आएगा, आपको कविता को की दो दो पंक्तियाँ या दो कोई भी दो पंक्तियाँ पूछी जाएंगी उसका भावार्थ लिखना है, तो आपको वो भावार्थ वैसा ही लिखना है जैसा समझाया गया। ठीक है बच्चों, चलिए अगर आपको ये वीडियो समझ आया हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए और मेरे चैनल माझी मराठी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।